मंगल में समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देविया एक पद के बीच में चतर कबीर ने कहा है निशंक मगन हो लोभ मोह भ्रम छाड़ो एक ही पंक्ति है लेकिन सारी बातें कह दी गई है दुरु कहते हैं निशंक निसंदेह होकर के और मगन होकर के नाचो लेकिन निसंदेह और मगन होकर हो नाचने के लिए लोग मोह और भ्रम इन तीनों को छोड़ना होगा यहां नाचने कर नाचना कुदना नहीं है नाचने का अर्थ है जीवन का सारा कर्म व्यवहार करना संदेह आदमी के मन को घून के समान अंदर अंदर चाल करके खोखला बना देता है संदेहशील आदमी किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकता वो कभी निर्भय हो नहीं सकता संदेहशील आदमी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी नहीं सकता हमेशा भय और चिंता में वो जीवन जीता है संदेह आदमी को स्थिर रहने नहीं देता है संदेह का स्वभाव होता है आदमी का कई बार तो आदमी अपने ही घर परिवार के सदस्यों पर संदेह करने लग जाता है और जब घर परिवार के सदस्यों पर ही संदेह है उसका व्यवहारिक और पारिवारिक पर, और जीवन कैसा होगा सहज अंदाज लगाया जा सकता है संदेहशील आदमी कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता जिसे अपने कर्म पर संदेह है अपनी पूजा पर संदेह है अपनी भक्ति पर संदेह अपने ज्ञान पर संदेह है अपनी साधना पर संदेह है, संदे है जिसका मन हमेशा डगमगा रहा है वो साधना क्या करेगा एक कल्याण मार्ग में बढ़ कैसे पाएगा थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी छोड़ देगा संदेह पिछले संदे, सदगुरु कवि ने कहा है संशय सबज खंडिया संशय खंडे न कोए संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी होए संदेह ने संशय ने अनिश्चय अनिश्चय द्विधा इसने सारे संसार के लोगों के मन को खंडित कर दिया तोड़ कर रख रख दिया दिया, दिया है, है। कमजोर बना संदेहशील आदमी किसी बात पर किसी काम पर जल्दी निर्णय नहीं ले सकता कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं अच्छे स्वभाव के होते हैं ईमानदार होते हैं चरित्रवान होते हैं बुद्धिमान भी होते हैं लेकिन उनमें निर्णय की क्षमता नहीं होती क्योंकि उनका मन डगमगाता रहता है ये करूं कि वो करूं काम बिगड़ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे न हुआ दुख संदेही आदमी भोगता रहता है उसे हमेशा लोग क्या कहेंगे ये लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा संदेह है कि इसके कारण से अच्छे अच्छे लोग कोई काम शुरू नहीं कर सकते जो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करेगा वो कुछ नहीं कर सकता है ये तो दुनिया है अच्छा करो तो कहने वाले मिलेंगे बुरा करो तो कहने वाले मिलेंगे कुछ ना करो तो कहने वाले मिलेंगे कुछ ना करो तो, तो लोग तो लो कहेंगे बड़ा आलसी है निकम्मा है काम चोर है क्या है पता नहीं क्या क्या कहेंगे और खूब करोगे तो कहेंगे अरे आदमी क्या है शैतान है शैतान बैठना जानते ही नहीं है ऐसा भी कहेंगे किसके किसके जवान को आप बंद करोगे एक निर्णय लेकर के उस पर जो डर पड़ता है वही कुछ कर दिखाता है निर्णय कभी गलत भी हो सकता है लेकिन कोई निर्णय गलत हुआ तो आगे से सीख भी मिल जाएगी सदगुरु कहते हैं संदेह ने अनिश्चय अनिर्णय की स्थिति ने सबके मन को कमजोर कर दिया है लेकिन संदेह को लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं संदेह का निवारण कौन करेगा शब्द विवेकी हुआ जो विवेक शब्दों पर विवेक करेगा विवेक बिना विवेक के संदेह दूर नहीं हो सकता है चाहे वो व्यवहारिक संदेह हो चाहे वो पारिवारिक संदेह हो चाहे आध्यात्मिक संदेह हो इसलिए द्विधा संदेह का त्याग, त्याग आवश्यक, आवश्यक है सोच लो विचार ले, दूसरों से राय ले लो अपने बुद्धि का प्रयोग करो फिर एक निर्णय लेकर के काम शुरू कर दो कहते हैं हो निशंक निशंक हो जाओ पहले शंका रही संदेह रही अब फिर मगन होकर के काम कर यहां नाचने की बात करते लेकिन साहब को नाचना वैसे नाचने कूदने को साहब पसंद नहीं करते भी कह दिया है कि देह हलाय भक्ति ने हो भक्ति के नाम पर नाचने कूदना भक्ति नहीं है एक भावना है लोग मानते हैं नाचने कूदना ही भक्ति, भक्ति है भावुकता है उनकी भावना है लेकिन भक्ति, भक्ति कुछ अलग होती है अलग तो वहां भक्ति के नाम पर नाचने कूदने को साहब खंड खंडन करते हैं लेकिन कर, यहाँ नाचने की जो बात कहते हैं वो जीवन के कार्य व्यवहार के लिए कहते हैं जैसे बीजक में भी साहब ने कहा है प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच पानीप दीन हो को तनमन बोले ऐ कबीरू ऐ लोगों प्रेम के कपड़े का चोलना अंगरखा बना करके पहनो और नाचो तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है तो उसका अंगरखा कैसे बनेगा उसका कुर्ता कैसे बनेगा कहने का तरीका है सीधी बात है जीवन का सारा कार्य व्यवहार प्रेम पूर्वक करो सुबह बात आई भी थी जो भी करना है प्रेम पूर्वक समर्पित भावना से छोटे से तो छोटे काम गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे यदि कोई आदमी प्रेम पूर्वक समर्पित होकर के निष्ठा के साथ मिट्टी बेचना शुरू करे तो एक दिन उसकी मिट्टी सोना बन जाएगी और कोई आदमी यदि आधे धूरे मन से घबराए हुए मन से उगट मन से विश्वास पूर्वक सोना बेचना शुरू करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सोना मिट्टी बन जाएगा इसलिए समर्पण की आवश्यकता प्रेम की आवश्यकता है बिना प्रेम के समर्पण नहीं होगा जहां जहां आदमी का प्रेम होता है वहां वहां समर्पण होता है अब आदमी स्वयं सोचना होगा कि मेरा प्रेम किसके लिए है धन के लिए यदि प्रेम है तो आदमी वहां समर्पित हो जाएगा फिर चाहे जितनी कठिनाई आए सहन कर लेगा कुर्सी के लिए पद के लिए प्रेम है तब राजनेताओं को देखो तमाम लोगों को कितनी कितनी मेहनत दिन रात लगे रहते हैं वर्षों वर्षों तक तब कहीं जा के कोई छोटी बड़ी कुर्सी मिल पाती है रात दिन आदमी उसी का सपना देखता रहता है जिसके लिए अतिशय प्रेम होगा चौबीसों घंटे दिमाग में उसी का चिंतन चलता रहेगा यहां का प्रसंग इतना प्रेम का आजा। आजा। है प्रेम पाठ का चोलना पहुना साहब कहते हैं कि ऐ लोगों प्रेम, प्रेम के कपड़े का अंग बना करके पहनो और नाचो, तो नाचो। मतलब, मतलब जो भी करना है समर्पित होकर के करो डूब करके करो तत्परता के साथ करो तब जीवन में चमक आती है अगली पंक्ति में साहब कहते हैं पानी दिन हो ताश को तनमन बोले ये पूरी प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है जिसके तन मन बचन में सत्य की प्रतिष्ठा है जिसकी वाणी सत्यता पूर्ण है कर्म व्यवहार सत्यता पूर्ण है और जिसकी भावना सत्यता पूर्ण है जो सत्य के मार्ग पर चलता है कबीर साहेब ने सत्य का मार्ग पकड़ा फिर उन्होंने यह परवाह नहीं की कि कौन मेरा साथ दे रहा है कौन साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कौन क्या कह रहा है कोई परवाह नहीं निश्चित है सत्य के मार्ग में चलने, चलने पर, पर कठिनाई आएगी तो क्या झूठ तो के तो मार्ग में तो कठिनाई नहीं है क्या झूठे आदमी का सब लोग सहयोग करना पर पर शुरू कर देते हैं झूठे आदमी की बदनामी नहीं होती झूठ का विरोध नहीं होता लेकिन झूठ के रास्ते पर आदमी को कितनी कठिनाई सहन करना पड़े चाहे जैसी बदनामी झेड़ना पड़े अपमान झेड़ना पड़े आदमी वहां से घबराता नहीं है और सत्य के मार्ग पर थोड़ी सी भी कठिनाई आदमी सहन नहीं कर पाता किसी ने कुछ कह दिया तुरंत सत्य का मार्ग छोड़ देता है भरोसा नहीं होता उसको क्योंकि आदमी के मन में झूठ के लिए प्रेम है झूठ के लिए मोह है इसलिए झूठ के रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन करता है सांस के लिए प्रेम नहीं है सत्य पर निष्ठा नहीं है इसलिए सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाता लेकिन होता क्या है झूठे आदमी पर उसके घर परिवार वाले ही विश्वास करना छोड़ देते हैं और जो ईमानदार है, है सत्यपरायण है, है उस पर उसके दुश्मन भी विश्वास करते हैं कि ये आदमी गलत, गलत, गलत नहीं करेगा जो कहेगा वही करेगा झूठे झूठे पर अपने कहने वाला विश्वास नहीं करते और सच पर पराये लोग दुश्मन भी विश्वास करते यह हकीकत है इतना जानते हुए भी हम सत्य के रास्ते पर नहीं चल पाते क्योंकि झूठ का मोह रोकता है सदगर कबीर सत्य के रास्ते पर चले उन्होंने कहा सांचे श्राप ना लागे सांचे काल न खाए सा ही सा जो चले, चले ताको का ना हम देख सकते हैं स्वयं चरुर कबीर के जीवन में कितनी कितनी कठिनाइया आई धर्म सत्ता और राज सत्ता द्वारा उनके रास्ते में कितने रोडे अटकाए गए कितनी तकलीफें दी गई लेकिन अंत में कबीर ही विजयी हुए। विजयी होने के लिए वो सदा रास्ते अपने चले थे <laughs> तो सत्य ही उनका लक्ष्य था कबीर साहब को या किसी अन्य संत को बुद्ध हो महावीर हो दयानंद हो विवेकानंद हो या अन्य और भी संत हो किन किन लोगों ने उनको कैसे कैसे तकलीफें दी आज कौन जानता है उनका नाम कौन लेता, कौन लेता है? है लेकिन महापुरुष चमकते गए चमकते गए चमकते गए उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आती गई उतना ही निखार आता गया उनकी चमक उतनी बढ़ती चली गई कहते हैं साचे श्राप न लागे सत्य को किसी का श्राप लगता नहीं है सत्य को श्राप देने वाला स्वयं शापित तो हो जाता है साचे काल ना खाए सत्य को काल नशा काल नष्ट नहीं कर सकता इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना सत्य पर विश्वास करना है इतना जरूर है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला आदमी भौतिक ऐश्वर्य खड़ा नहीं कर सकता बाहरी यदि अधिक वैभव और ऐश्वर्य चाहिए तो तो उसके लिए झूठ का मार्ग ही पकड़ना पड़ता है सत्य के मार्ग पर चलते ही यदि लौकिक ऐश्वर्य खूब खड़ा हो जाता तो सब लोग सब चने लग जाते लेकिन नहीं होगा जीवन निर्वाह करेगा उसमें कमी नहीं होगी तो साहब कहते हैं ये प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है जिसके वाचा कर्मना सत्य की ही प्रतिष्ठा है और सत्य से बढ़कर के कुछ है भी नहीं सर्वोपरि सत्य है वाल्मीकि रामायण में राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तो भरत गुरु वशिष्ठ बसीष्ट को माताओं को या बहुत मंत्रियों को लेकर उन्हें मनाने गए लौटाने गए हैं वहां बहुत तर्क वितर्क चलता है उसी दरमियान में वाल्मीकि रामायण के लेखक ने राम से कहलवाया है सत्य मेंवेश्वरों लोके सत्य धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानी सर्वानी सत्यानास्ती परम पदम सत्यम एव ईश्वरो लोके। इस लोक में इस संसार में सत्य ही ईश्वर है सत्य को छोड़कर आप ईश्वर खोदने जाएंगे आपको कहीं मिलेगा नहीं और जो सत्य को पकड़ लिया सत्य को जान लिया तथा पुनः जीवन जी रहा है उसको अलग से ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे सत्य रूप ईश्वर मिल ही गया वो तो जी ही रहा है उसमें खोजना क्या है उसको और सत्य को छोड़कर कहीं ईश्वर खोजने जाएंगे जिंदगी बीते जाएगी कहीं कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं सत्य को छोड़कर तो सत्य में स्वर लोक इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है इतना जोर देकर के बाल्मीकि लेखक कहता है सत्य धर्मा धर्म सदैव सत्य पर ही टिका हुआ है सत्य को छोड़ दे तो धर्म बचेगा क्या फिर सत्य मूलानी आनी जितने भी शुभ कर्म है जितने भी पुण्य कर्म है सबका मूल सत्य है सारे शुभ कर्म सत्य पर ही टिके हुए हैं नास्ति परम पदम सत्य से बढ़कर के कोई परम पद नहीं है उस परम पद को जिस नाम से कह ले सत्य ही परम पद है और यही बात मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं सत्यमेव जयति जयती नानृतम सत्यन पंथा वितो देवयान एना क्रमंत ऋषियो ह्याप्तकामा काम यथ सत्यथ परम निधान सत्य की ही विजय होती है अंध की झूठ की नहीं सत्यन पंथता वितों देवयाना देवताओं का पथ सज्जनों का पथ ज्ञानियों का पथ सत्य से परिपूर्ण है सत्य ही साधन है और सत्य ही साध्य है इल्ले भटकने की आवश्यकता नहीं है सत्य को समझने की आवश्यकता है और सबसे जुलंत सत्य को क्या है हर व्यक्ति का अपना आत्म अस्तित्व, क्योंकि सब पर संदेह किया जा सकता है अपने होने पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं तो हूं ही किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं होगा कि मैं हूं या नहीं हूं न ही कश्चिज संदिग्धे अहम व न अहम वाचस्पति मित्र कहते हैं कि, कि किसी को संदेह नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं यदि मैं ही ना होता तो संदेह कैसे करता मैं ही नहीं होता तो ये कैसे पूछता भैया कि मैं हूं या नहीं हूं तो सब तो पर संदेह होगा सब पर संदेह होगा अपने होने तो पर आत्मस्थिर पर संदेह किसी को नहीं, को नहीं हो, वो तो है ही स्वयं ईश्वर है या नहीं, नहीं? लोगों से पूछें तीन प्रकार के उत्तर मिलेंगे कुछ लोग कहेंगे हाँ ईश्वर है कुछ लोग कहेंगे नहीं ईश्वर कुछ नहीं है कुछ भैया हमें मालूम नहीं झगड़ा में कुछ नहीं पालना मरने के बाद पुनः जन्म होता है या नहीं होता है वहां भी तीन उत्तर मिले कुछ लोग कहेंगे होता है कुछ लोग कहेंगे नहीं होता कुछ लोग कहते हैं मालूम नहीं है और भी पूछे स्वर्ग नरक है देवी देवता है या नहीं है एक उत्तर नहीं मिलेगा लेकिन किसी से भी पूछे कि तुम हो या नहीं हो कोई कहेगा कि मैं नहीं हूं वो तो है ना यदि कोई ये कहता है कि मैं तो नहीं हूं मैं कुछ भी नहीं हूं तो पहले वो है तब कह रहा है कि मैं नहीं हूं नहीं होता तो कहता कैसे तो सबसे ज्वलन सत्य हमारा, हमारा आत्म अस्तित्व अपना, अपना आपा, आपा। और आदमी को, को उसी का ज्ञान नहीं, नहीं। कुछ तो तो ये ये है कुछ लोग कहते हैं कि यदि आत्मा है विश्वास कैसे करें करें दिखाव दिखा आत्मा, आत्मा को, को। तो देखेगा कौन देखने वाला तो वही है ना सबको देख कौन रहा है सबको जान कौन रहा है कौन कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा कोई ये मानूंगा मैं ये मान नहीं सकता कौन कहता है आप ही तो है ना तो सबको देखने वाला जानने वाला तो वही है सबके जनैया को काह जनै जानत ही सकलो सुख पहिए जो सबको जान रहा है उसे अन्य माध्यम से जानोगे कैसे वो देखने की चीज नहीं है किंतु वो देखने वाला है वही जानने वाला है वही सोचने वाला है कल्पना करने वाला वही मानने वाला है नहीं मानने वाला है और उसी का ज्ञान नहीं है इसलिए आदमी भटकता है और सत्य का ज्ञान न होने के कारण आदमी दुविधा में दुग्धुग में पड़ा रहता है जिसे भी सत्य ज्ञान हो जाएगा उसकी दुविधा दुग्धुगी खत्म हो जाएगी इसलिए हम सब का कर्तव्य है और छूट जाए तो छूट जाए सत्य न छूटने पाए सत्य छूट गया बाकी बचा क्या फिर किसके सत्य का त्याग करें पानी पर दीन हो ताश को तनमन बोले सास सदुरु कहते हैं पूरी प्रकृति सत्ता उस आदमी के जीवन में चमक, में चमक देती है जिसके मनसा वाचा कर्मना सत्य की, की प्रतिष्ठा है और प्रत्यक्ष हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हैं वो सत्य के मार्ग पर चले और चमक उनकी बढ़ती चली गई मैंने मूल बात जो उठाई थी मूल पंक्ति हो निशंक मगन हो नाचो साहब कहते निशंक निसंदेह हो करके के संदेह रहित होकर और मगन होकर के अपना काम करो कोई यदि साधक है वो दुखी होकर साधना कर रहा है तो उसके साधना बनेगी नहीं दुखी, दुखी होकर भी अगर हो. खेती का काम करोगे तो चलो बन जाएगा दुखी होकर दुकान का काम करोगे तो तो काम बन जाएगा दुखी होकर भोजन बनाओगे तो बन जाएगा लेकिन दुखी होकर के उदास मन से साधना करेंगे संदेहशील होकर साधना करेंगे कभी साधना नहीं बनेगी कभी पूजा भक्ति का काम पूरा नहीं होगा जिस आदमी को अपनी सफलता पर ही संदेह है वो तो सफल कैसे हो सकता है लोग कहते हैं महात्मा लोग कहते हैं ध्यान करो चिंतन करो तो मन शांत होता है रुकता है प्रसन्नता आती है पता नहीं महात्मा लोग ऐसे ही कह रहे हैं बकाने के लिए क्या अब पहले से संदेह है तो उसका मन शांत कैसे होगा वो ध्यान में उसका मन लगेगा वो तो भटकता, तो भटकता रहेगा रहे रहे इले संदेह, संदेह का त्याग और फिर प्रसन्नता संदेही आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता संदेह उसके सारे प्रसन्नता को सोख लेगा लेकिन करना क्या होगा फिर इसके लिए लोभ मोह भ्रम ये तीन के कारण से आदमी को संदेह होता है और लोभ मोह भ्रम आदमी को प्रसन्नता से जीने नहीं देते लोभ भौतिक पदार्थों का मोह अनुकूल प्राणियों का जिन्हें अपना माना जाता है और भ्रम मानसिक कमजोरी तथ्य को न समझने के कारण लोभी आदमी सर्वाधिक कमजोर होता है साहब ने कहा है लोभे जन्म गवाइया पापे खाया को लोभ को पाप का बाप कहा गया है लोभी आदमी कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता नहीं कर है, है। प्रत्यक्ष देखें धन का लोभ हो पद का लोभ हो प्रतिष्ठा का लोभ हो इनके लिए संसार में कैसी मारामारी है कितनी आपाधापी है सब जानते हैं लेकिन यह भी समझना होगा जिनके लिए हमारे मन में लोभ है अंत में कोई काम आने वाला नहीं है लोभ सदैव उनका होता है जो हमारा अपना नहीं होता लोभ का त्याग काम करते जाएंगे चीजें तो मिलती चली जाएगी लोभ में सदैव दूसरे का अधिकार मारा जाता है और लोभ कभी पूरा होता नहीं है किसी का लोभ पूरा नहीं हुआ है लोभ 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 और मिले और मिले फिर तृष्णा बढ़ती चली जाती है सभी संतों ने लोभ का त्याग करने कहा है और लोभ लोभ धन का लोभ थोड़े होता है पता नहीं किसका किसका लोभ, खाने का लोभ, पहनने का, का लोभ, देखने का लोभ, सुनने का लोभ, जिसे खाने का लोभ है, है उसे चाहे जितना भी बढ़िया बढिया बढ़िया कर दे दो उसका मंत्रित्व नहीं होगा देखने का लोभ है चाहे कितने अनुकूल दृश्य देखने को मिले उसका मंत्रित्व नहीं होगा लोभ में तृप्ति है ही नहीं और जिसके लिए लोभ होगा आदमी उसी, उसी के लिए कमजोर होगा अन्य बात में वो, वो भले बलवान हो लेकिन जिसके लिए लोभ है लोग उसके लिए कमजोर होगा वही, हो। वही, वही, वही हारेगा वही पिछड़ जाएगा साहब कहते हैं यदि मगन होगा जीना चाहते हो जीवन का आनंद लेना चाहते हो पूरी प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हो निश्चिंत तो और निर्भय होकर के तो लोभ का त्याग करो किसी का भी लोभ नहीं यहां तक ईश्वर दर्शन का भी लोभ नहीं भगवान पाने का भी लोभ नहीं मुक्ति पाने का भी लोभ नहीं से क्या होगा काम करें, करें साधना करें, करें मुक्ति तो अपने आप तो मिल जाएगी इसलिए लोभ का त्याग और फिर, फिर? मगन होगा जीना प्रसन्नता जीना है तब दूसरी बात मोह का त्याग मोह होता है अपने माने गए लोगों के प्रति उनमें भी जो अनुकूल है अनुकूलता का मोह अनुकूल प्राणियों का मुंह और संतों ने मोह को ही बहुत सागर कहा है मोह सकल व्याधीन कर मूला एक स्वामी जी कहते हैं सारी मानसिक व्याधियों का मूल कारण मोह है मोही आदमी सदैव भयभीत रहता है कि प्री पत्नी प्री पुत्र प्रिय भाई ये बिछुड़ न जाए विरोधी ना हो जाए इन्हें रोग ना लग जाए पता नहीं कैसे कहते भयभीत और अत्यंत तो मोह होता है तब तो आदमी को दिन रात चैन नहीं पड़े। और अत्यंत मोह के उदाहरण में राजा दशरथ उदाहरण ज्वलंत है सबके सामने है उदाहरण बड़े लोगों का दिया जाता है उससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है राजा दशरथ बलवान थे और कुछ बहुत कुछ योग्यता लेकिन कई कई और राम इन दोनों के प्रति उनके मोह में अत्यंत मन में अत्यंत मोह और इन दोनों के मोह दशरथ की प्राण पीड़ा का कारण बना उधर कई की सुंदरता देकर मोहित तो हो गए और पहले से ही बिना विचारे वचन दे दिए कैके के, -के की पिता को कि कैके के, -के, के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वही अध्याय गद्दी का मालिक होगा सोच लिए होते विचार लिए थे तो लेकिन कैके सुंदरता देकर के, -के दे मोहित आगे क्या परिणाम आएगा कुछ पता नहीं हुआ चला राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए इसीलिए देवव्रत भीष्म को आजीवन ब्रह्मचारी से रहना पड़ा वो तो वो तो विशेषता उनकी है, है। देवव्रत की भीष्म पितामह कहा जाता है भीष्म मतलब कठिन प्रतिज्ञा उन्होंने ले, ले ली इसलिए उन्हें भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन, लेकिन संतनों के मोह ने पूरे कौरव पांडव का विनाश कर दिया का मोह दुर्धन के लिए जानते हुए भी समझते हुए भी कि दुर्धन गलत कर रहा है रोक नहीं पाए तो कहीं भी होगा मोह कारण मैं कह रहा था राजा दशरथ इधर कई की सुंदरता को देकर मोहित हो गए अब बिना विचारे वचन दे दे कई-कई के, -के की पिता को कि कई-कई की गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वही अयोध्या गद्दी का मालिक होगा अयोध्या गद्दी पर बैठेगा राशि हाथन का अधिकारी होगा इधर राम के प्रति मोह राम में योग्यता थी सब कुछ था वो बात अलग है यहां योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं है विचार मोह पर है और इसी मोह के कारण भरत गणपस्थिति में उन्होंने राम का रात तिलक करना चाहा क्योंकि जानते थे यदि पूछ लिए होते तो ये समस्या खड़ी ना होती और नहीं पूछे राम प्रतिमोह बिना राय लिए रात तिलक तैयारी करने लग गए सब विघ्न हो गया और चलो वो भी हो गया मान लेते हैं कई कई ने यही तो कहा था ना कि चौदह साल के लिए राम का वनवास और भरत का रात तिलक ये तो नहीं कहा था कि राम कभी वापस अयोध्या ना आए तो चौदह साल के लिए कहा था और ये भी नहीं कहा नहीं था दशरथ से कि तुम राम से मिल सकते।, सकते अरे राम बनवास गए जब मन होता दशरथ का रथ में बैठते मैंने तो मेरा मिल करके आ जाते आ जाते राम के साथ कोई प्रतिबंध था क्या? लेकिन एक दिन के लिए भी मोह नहीं त्याग पाया प्रणाम क्या हुआ प्रणाम ये ज्वलंत उदाहरण है मोह का राजा थे कौन उन्हें मना करता जब चाहते जंगल जाते राम के साथ दो चार दिन रहते फिर अपना आकर के राज कर करते इतना मोह इतना मोह कि राम बनवास गए तो तुरंत गिरे और मर गए तो जहां कहीं भी अधिक मोह होगा किसी के लिए भी पक्षपात होगा अन्याय होगा और परिणाम पीड़ा सारी प्रसन्नता गायब सारी नीति भी गायब न्याय भी गायब जिस घर में कोई पिता अपने किसी एक बेटे से जब अधिक मोह कर लेता है तो है तो अपने अन्य बेटों के साथ अन्याय करता ही करता है छिपा करके उस बेटा को धन देता है दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है और आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में तो मोह भयंकर जा मोही आदमी साधना का काम नहीं कर सकता है। किसी के साथ हमें क्रूरता का या कठोरता का व्यवहार नहीं करना है लेकिन मोह बना बना कर क्या करेंगे कितना भी मोह करें कितना भी मोह करें अंत में उनका और हमारा वियोग तो होना है उस वियोग को कौन रोक सकता है तब क्या करोगे चाहे उनका शरीर पहले छूटे चाहे हमारा शरीर पहले छूटे आना ही आना है नियम है प्रकृति का सेवा करें प्रेम करें सहयोग से रहें, मिलजुल कर काम करें लेकिन मुंह बना लेकर मुंह बनाकर हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं साहब कहते हैं कि यदि प्रसन्नता से जीना है जीवन के महत्व को समझना है जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो मोह छोड़ करके करो व्यवहार को भी सुंदर बनाना समृद्ध बनाना है तो मोह छोड़ करके काम करो और तीसरी बात भ्रम भ्रम में पड़ा आदमी निसंदेह नहीं हो सकता प्रसन्न नहीं हो सकता और कैसे कैसे भ्रम है आदमी कितने ऐसे लोग हैं हमेशा भ्रम में पड़े हुए हैं कि भूत का प्रेत का जादू का कोई हमारे घर कुछ कर ना दे हमारे साथ कुछ कर ना दे कुछ भी यदि हुआ थोड़ी सी बीमारी हुई लगता है किसी ने हमारे घर कुछ कर दिया फिर ये पूजा करवा फिर वो पाठ करवाओ फिर, फिर, फिर अम्मू को शांत करो अम्मू को शांत करो ये ये यज्ञ हवन करो कहा क्या क्या, क्या पता नहीं आगे? आगे? और सामान्य लोग ही नहीं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं भूत, प्रेत जादू टोना ग्रह लगन दिशा अब पता नहीं अब क्या क्या न सुख से जी पाते हैं न सुख से खा पाते हैं न सुख से सो पाते हैं भयभीत भयभीत कहीं चले किसी ने थोड़ा सा छींक दिया अब काम बिगड़ गया बिल्ली ने रास्ता काट दिया काम बिगड़ गया मैं कई बार कहा करता हूं यही की बात है बीस पच्चीस साल पुरानी बात होगी शाम का समय था सूर्यास्त तो हुआ नहीं था होने वाला था लगभग एक जगह गया था घर में ही कारखाना था ऊपर लोग रहते थे नीचे कारखाना था वहां गया था जहाँ गद्दी थी वहीं बैठा था मालिक बैठे थे ऊपर जहां निवास था वहां से नौकर नीचे उतरा और मालिक से कहा कि बाबूजी बाईजी बाई जी ने कहा है कि भोजन बनाने का समय हो गया है नमक खत्म हो गया, नमक मंगा दो कहे अरे अभी अभी नमक शाम को नमक खरीदोगे मतलब शाम को नमक खरीदोगे तो घर भर मर जाए खाओगे तब नहीं मरेगा। रोज शाम को नमक खाते हैं, कोई नहीं मरता लेकिन खरीद लेंगे तब कितना भ्रम में जी रहा है आदमी ये तो उदाहरण है अमुक दिन बाल नहीं बनवाना है अमुक बाल, बाल नहीं बनवाना है बाल बनवाना है तो किस दिशा में बनवाना है मुंह के धर बढ़ोकर बैठना है बनाने वाला मुंह की हो, मर जाएगा आदमी। कोई ये कहता है देखो चोरी करते समय सदैव तरफ देखना कोई कहता है क्या झूठ बोलते समय देख लेना कि मुहूर्त सही है या नहीं है जब झूठ बोलना है ना तब दक्षिण मुंह करके झूठ मत बोलना सद उत्तर तो मुंह करके झूठ बोलना कोई कहता है क्या लेकिन आदमी पता नहीं, पता नहीं क्या किया अरे भैया तुम पैदा होते ना तो पलते पंडित जी से पंडित जी पैदा हो कि ना ना हो तो पैदा होना चाहिए था, था।, तो था लेकिन सुन सुन करके सुन सुन करके पढ़ करके कैसे कैसे भ्रम में आदमी जी रहा है और भ्रम सारी प्रसन्नता को सोख लेता है सदर कबीर कहते हैं हो निशंक मगन हो नाचो लोभ मोह भ्रम छाड़ो प्रसन्नता से जीना चाहते हो जी जो जीवन मिला है अनमोल जीवन है सब दुनिया में सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो हमारा जीवन है इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है लेकिन ये मूल्यवान जीवन कौड़ी के मोल जा रहा है लोभ मोह भ्रम में पढ़ करके जितना दुखी आदमी है उतना दुखी कोई प्राणी नहीं है साहब कहते हैं अनमोल जीवन बड़े सौभाग्य का परिणाम है इसको तो हंसते हंसते जियो इसको तो प्रसन्नता से जियो सरलता से जियो किसके लिए सब कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं प्रसन्नता से शांति जीने के लिए अब वही गायब है धन कम है कि ज्यादा है कम पढ़े हैं कि ज्यादा पढ़े हैं छोटी नौकरी है कि बड़ी नौकरी है कि कम सुविधा है ज्यादा सुविधा है ये सब गौण है हमारी प्रसन्नता हमारे मन की मग्नता हमारी शांत हमारा सुख बाहर कहीं नहीं है हमारे भीतर है हमारे सोच में है बस लो लोभ और भ्रम छोड़ा निर्लोभ निर्मो और निर्भ्रम जिसके मन में किसी के लिए लोभ नहीं किसी के लिए मोह नहीं किसी प्रकार का भ्रम नहीं जीवन को पूरी समग्रता से वही आदमी जीता है और मानव जीवन पाने का फल वही पाता है इस एक पंक्ति में सदर कबीर ने कैसे जीवन जीना सारी बातें बता दिया है समझना है और समझ करके जो मेहनत करते हुए जो मिल जाए तो में संतोष रखना है जीवन यात्रा में लोगों के साथ प्रेम सेवा समता का व्यवहार करना है और सही ज्ञान को समझ कर निश्चिंत निर्भय होकर के जीना है तब जीवन का आनंद मिलेगा और हमारे ये मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा संतों का गुरुजनों का हम लोगों के लिए यही आदेश है यही निर्देश है अब यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ देव की जय सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु अभिलाष साहेब की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय कबीर पारक संस्थान प्रया, प्रयागराज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का या दूसरा दिन का अंतिम सभा यहीं पर समाप्त की जाती है